नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी सरकार गठन के काम में जुट गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना में हुई बगावत की अगुवाई कर रही एकनाथ शिंदे अगला कदम क्या होगा इसे तय करेंगे। गुरुवार को ही महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाए जाने की शिवसेना की मांग से इनकार करने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आए और उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। राजभवन की ओर से उद्धव ठाकरे से कहा गया है कि नई सरकार बनने तक वो इस पद पर काम करते रहें। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना के बागी विधायक गुरुवार को मुंबई आने वाले थे, लेकिन अब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने बागी विधायकों से अपील की है कि वो गुरुवार को मुंबई ना आए। पाटिल ने कहा कि उन्हें शपथ वाले दिन ही यहां आना चाहिए। बता दें, इससे पहले कहा गया था कि एकनाथ शिंदे गुट गुरुवार को मुंबई लौटेगा। इस्तीफा देने से कुछ घंटे पहले उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा औरंगाबाद का नाम बदले जाने को लेकर AIMIM ने नाराजगी जताई है। ठाकरे कैबिनेट ने बुधवार को औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धराशिव रखे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया था। इसके साथ ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसान नेता DB पाटिल के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव भी सरकार ने पास किया। दूसरी ओर शिवसैनिकों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है, लेकिन औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को जाते जाते संभाजी महाराज की याद आ गई। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे की कुर्सी सरकने लगी तब उन्होंने ये फैसला लिया। जलील ने कहा वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना को ये बताना चाहते हैं कि नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं बदला जा सकता। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के 2 दिन बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर जाएंगे। बीते दिन मुख्यमंत्री आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री समेत अन्य का उदयपुर दौरा तय हुआ। वहीं दूसरी ओर जयपुर में हिंदू संगठनों ने आज बंद का ऐलान किया है। यही नहीं, कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में हिंदू संगठन बड़े स्तर पर विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी कि NIA जाँच कर रही है। हत्या के बाद पूरे राजस्थान में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और उदयपुर में धारा 144 लागू की गई है। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जिस ट्विटर अकाउंट की शिकायत का हवाला देकर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया, वो अकाउंट बुधवार की शाम से अस्तित्व में ही नहीं रहा, अचानक से गायब हो गया। मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में इस ट्विटर अकाउंट को चलाने वाले व्यक्ति की मंशा पर सवाल उठाए थे। इसके बाद से ये ट्विटर अकाउंट गायब हो गया है। इस ट्विटर अकाउंट से पहला ट्वीट इस साल 19 जून को ही किया गया था और उसी 19 जून के ट्वीट के आधार पर ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यूनिट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 20 जून को मुकदमा दर्ज किया। बता दें, ट्विटर अकाउंट पर शुरू से ही सवाल उठाए जा रहे थे। 2 साल के बाद एक बार फिर से श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। ये यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। इसमें शामिल होने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का कश्मीर घाटी पहुंचना शुरू हो चुका है। इस बार अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए लखनपुर से लेकर अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। बुधवार को ही बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, भाजपा के राज्य इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, माकपा नेता MY तारिगामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री मुजफ्फर बेग सहित अन्य लोग शामिल हुए। PDP के प्रमुख महबूबा मुफ्ती और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन बैठक में शामिल नहीं हो सके। नेटो ने फिनलैंड और स्वीडन को औपचारिक रूप से सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। नेटो के राष्ट्राध्यक्षों ने बुधवार को इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि इससे पहले तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल किए जाने का विरोध कर रहा था, लेकिन तुर्की फिनलैंड और स्वीडन ने एक दूसरे की सुरक्षा की रक्षा करने पर अब सहमति जता दी है, जिसके बाद नेटो ने इनको अब आमंत्रित किया है। इसके बाद अब फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि फिनलैंड और स्वीडन के अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो में शामिल होने के बाद अगर नेटो इन देशों में अपने सैनिकों की तैनाती और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करता है तो रूस इसका जवाब देगा। पुतिन ने एक रूसी टेलीविजन से कहा कि स्वीडन और फिनलैंड के साथ हमें वो समस्या नहीं है जो हमें यूक्रेन के साथ है। फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। पुतिन ने कहा, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि पहले उन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब अगर सैन्य टुकड़ियां और बुनियादी ढांचे को यहां तैनात किया जाता है तो हमें उसी तरह से जवाब देना होगा और उन क्षेत्रों के लिए भी वैसा ही खतरा पैदा करना होगा जहां से हमारे लिए खतरा पैदा होता है।
उन्होंने कहा कि नेटो की सदस्यता के बाद तो हेलसिंकी और स्टॉकहोम के साथ मॉस्को के संबंधों में खटास आएगी। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।